सिंपल इंटरेस्ट और साधारण ब्याज है। सिंपल इंटरेस्ट और साधारण ब्याज लिख लो हिंदी में, लिखोगे तुम लोग है ना, हिंदी में भी लिख लोगे साधारण ब्याज। और टॉपिक क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले डिस्कस किस पर करोगे तुम लोग? जो लोग टर्म दिया हुआ है ना, तो पहला टर्म क्या होता है? मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। तो पहला टर्म क्या होता है? मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। तो देखो मूलधन और प्रिंसिपल तुम किसको बोलोगे? मूलधन और प्रिंसिपल का मतलब हो गया, सपोज करो कि मैं तुमसे 10,000 रुपया लिया है ना, यानी उधार मैं तुमसे दिया हूं है ना, या मत मैं तुमको उधार दिया हूं, या मैं बैंक में मान लो कि 10,000 या 20,000 कुछ भी रुपया डिपॉजिट किया, तो मैं डिपॉजिट कर रहा हूं या किसी से उधार ले रहा हूं या किसी से उधार में किसी उधार में दे रहा हूं है ना, तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? मूलधन बोल रहा हूँ है ना। तो मैंने कितना रुपया उधार दिया तुमसे? सपोज कर लो 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। तो ये हो गया तुम लोग पहला टर्म, हो गया पहला टर्म समझ में हमेशा दिया रहेगा, इसको क्या बोलोगे तुम लोग? मूलधन। सेकेंड टर्म हम लोग का रहेगा समय। एक बात हमको बताओ, इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? टाइम। एक बात हमको बताओ कि जब भी मैं तुमको 10,000 रुपया दिया या तुमसे मैं 10,000 रुपया लिया, तो क्या तुम हमसे ये नहीं पूछोगे कि आप जो पैसा ले रहे वो पैसा आप हमको कब लौटाएंगे? नहीं पूछोगे, पूछोगे ना। तो उसको तुम क्या बोलोगे? समय। तो सपोज करते कि समय क्या दिया हुआ है? 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 ईयर्स दिया हुआ है। अब 10,000 रुपया उधार दिए तुमको हम 2 वर्ष के लिए दिए, तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा हमको तुमको देना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा पैसा हम किस बेस पे ले रहे तुमसे? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दर। इंग्लिश में क्या बोलोगे? रेट। तो रेट कितना हो गया? 5% सपोज करते हैं है ना। तो पहला टर्म क्या हो गया? मूलधन। सेकंड टर्म हो गया समय। तीसरा टर्म क्या हो गया? दर। अब देखो हमको कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, उस एक्स्ट्रा पैसा को निकालने को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। तो समझ में हमको क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद करने का सबसे इजी तरीका है ना, एक मतलब की शायरी है कि हमको तुमसे हुआ है प्यार। क्या बोलोगे? हमको तुमसे हुआ है प्यार। और एसआई का फॉर्मूला हुआ पी गुने टी गुने यार, पी गुने टी गुने यार, यानी कि हमको तुमसे हुआ है प्यार। और एसआई का फॉर्मूला हुआ पी गुने टी गुने आर है ना। अब देखो जब तुम किसी से प्यार करोगे है ना, तो प्यार में ऐसा बहुत कुछ होता है जो हम लोग बिना कुछ बोले दे देते हैं, यानी उसके नीचे भी क्या लोगे? 100 है ना। अब देखो सम्स में सारा टर्म दिया है ना, उस टर्म को एडिटिव कॉपी कर लो, तो वो पी कितना है? 10,000 है ना। आर कितना है? 5%। और टाइम कितना है? 2 वर्ष। और नीचे भी कितना है? 100। ये भी जान लो कि ये 100 आया कहां से, 100 कहां से आया, ये जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज जब घटता है तो क्या आता है? 100। ये 100 कहां से आया? अब कैंसिल करो, 100 और 100 कैंसिल हो गया। अब गुना कर लो, 100 × 5 कितना हो गया? 500। और 500 × 2 कितना हो गया? 500 × 2 1000 हुआ, तीनों के 1000 हो गया। तो एक्स्ट्रा पैसा कितना देना पड़ेगा उनको? 1000 रुपया। अब मैं तुमसे भी पूछूं, यदि मैं तुमको लोन दिया था, मैं तुमको 10,000 रुपया उधार में दिया था, तो 10,000 तुमको मैं दिया था, ये तो मैं तुमसे लूंगा ही, साथ में और तुमसे मैं क्या लूंगा? ये एक्स्ट्रा पैसा लूंगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्र धन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्र धन। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अमाउंट। हिंदी में क्या बोलोगे? मिश्र धन। मिश्र धन। तो देखो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या हो गया? हम तुमको कितना दिए थे? 10,000। इसको क्या बोले थे हम? पी। और एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है हमको? 1,000। इसको बोलेंगे आई। तो मूलधन हो गया हम लोग का 10,000 और आई कितना हो गया? 1,000। कुल मिला के मिश्र धन कितना हो गया? 11,000। तो इसी को हम लोग बोलेंगे, ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते सारा समझ कर। पहले सब कॉपी कर लो फिर मैं। चलो नंबर वन नंबर समझ को देखो। देखो नंबर वन में क्या बोल रहा है? दो भाई एक साथ एक छोटे व्यवसाय को चलाने हेतु 12% ब्याज के दर से एक बैंक से 15,000 रुपया उधार लिया। तो हम क्या बोलेंगे? उधार जितना लोगे या उधार किसी को दोगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। तो देखो मूलधन कितना दिया हुआ है? 15,000। मूलधन कितना दिया हुआ है? 15,000 है ना। सेकेंड टर्म यानी कि रेट कितना दिया हुआ है बोलो? 12%। रेट कितना दिया हुआ है?
12%। और कितना वर्ष के लिए तुम लिए हो पैसा? 4 वर्ष। 4 वर्ष के लिए। टाइम कितना दिया हुआ है? समय कितना दिया हुआ है? 4 वर्ष। और निकालने क्या बोला है सम्स में? देखो सम्स में क्या बोला, ब्याज कितना देना पड़ेगा, यानी ब्याज का मतलब क्या बोलो? सिंपल इंटरेस्ट। इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? पी गुणे पी गुणे आर डिवाइडेड फंड। तो देखो पी कितना है बोलो? 15,000। टी कितना है? 4 वर्ष। 2 शून्य 2 शून्य कट गया, इंटू कर लो 15 × 4 कितना हो गया? 60, यानी कि 600। कितना हो गया? 600। और 6 यानी 12×6=72, यानी कि 72। और 2 0 यहाँ पर है, कितना हो गया? 7200। तो पहला सम्स का आंसर कितना हो गया? 7200, है ना? दोनों सम्स को देखिए। सेकंड नंबर सम्स करने से पहले एक टर्म को पहले समझ लो, है ना, एक मेथड को पहले समझ लो। देखो मेथड क्या है उनका, कभी देखोगे ना कि जो हम लोग को इंटरेस्ट निकालने के लिए बोलेगा, वो इंटरेस्ट जो है वो कभी डेट क्या काउंट करने के लिए बोलेगा। जैसे कि मान लो यहां पर जो हम लोग को टाइम दिया हुआ है, 1 जनवरी को तुम पैसा लिए थे, कब पैसा लिए थे? 1 जनवरी को, है ना। और लौटाओगे कब तुम? मान लो कि हम लौटा रहे 1 अगस्त को, कब लौटा रहे? 1 अगस्त को। तो पहले ना डे काउंट कर लोगे, तो वो जनवरी कितना दिन होता है? 31 दिन। फिर आता है फरवरी जो होता है 28 दिन का, साथ में ये देख लोगे वो लीप ईयर है कि नहीं है। लीप ईयर होगा तो ये 28 नहीं बल्कि 29 होगा। मार्च में कितना हो गया? 31। अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। अब देखो 1 अगस्त को तुम पैसा दे रहे हो तो 1 अगस्त में ओनली 1 दिन ही लोगे, ठीक है, और इसको जोड़ लोगे। जोड़ने में कुछ भी है, है ना, कुछ भी है। उसको लिखने के बाद में, उसको लिखने के बाद में नीचे भी क्या लिख दोगे? 365 दिन। यानी जब दिन में जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो उसके नीचे भी क्या आएगा? 365। तो यही मेथड है ना। तो देखो सम्स में यही बोला है, सम्स में क्या बोला है? यही बात बोला है, करते हैं। तो देखो सम्स में सबसे पहले देखो इसका मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ 2000 रुपया। यानी पी कितना दिया हुआ है? 2000 रुपया। तो पी लिख लो यहाँ पर 2000 रुपया। और देखो टाइम कितना है? 1 जनवरी से 6 मई तक 26 मई तक। तो चलो काउंट कर लो, जनवरी में पद होता है 31 दिन, है ना, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30 और मई में 26 दिन ना। 31 दिन तो होता है, लेकिन देखो मई में है कितना? यहाँ पर 26 दिन है। अब इसको जोड़ लो तो जोड़ के आएगा 146 दिन। कितना आएगा? 146। बट हम लोग जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो नीचे में क्या लिखेंगे बोलो? 365। ठीक है, फिर बस यही बात है। अब देखो सम्स में आर कितना है? आर कितना है? 6%। आर दिया हुआ 6%। तब वो निकाले क्या बोला है बोलो? देखो बोला है कि कितना है 2000 रुपए, तो ब्याज कितना होगा? तो हम लोग निकालेंगे SI, तो लिखो इसलिए SI बराबर फॉर्मूला बार बार अपने लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा? पी गुणे टी गुणे आर बटे में 100। तो पी कितना है? 2000। पी कितना है? 2000। आर कितना है? 6%। और टाइम कितना है? 146/365 × 100। तो देखो 2 0 से 2 0 कट गया, 73 के 12 में 2 बार में कटेगा, ये 146, 73 के 12 में 5 बार में कटेगा, ठीक है। 5 × 5 = 20। अब गुना कर लो, 6 × 12 = 48। तो ब्याज कितना रुपया हो गया बोलो? 48 रुपया हो गया, है ना। ये दो नंबर सम्स हो गया। नेक्स्ट 3 नंबर देखो, तीन नंबर सम्स को करने से पहले इसका मेथड को समझ लो। 3 नंबर का मेथड कैसे करोगे? 3 नंबर का मेथड सम्स देखो, सारा खेल जो है ना वो टाइम को और रेट को लेकर है। प्रॉब्लम मूलधन में नहीं प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम किसमें होगा हम लोग का? टाइम में और रेट में होगा। तो जैसे देखो टाइम
तुमको दिया रहेगा एक वर्ष और आठ माह दिया, तो इसको तुम किसमें कन्वर्ट करोगे? तो तुम इसको महीना में कन्वर्ट कर लो, महीना दिया ना तो महीना में कन्वर्ट करोगे, तो एक वर्ष में कितना महीना? बारह, और यहाँ कितना है? आठ, कितना हो गया? बीस महीना, कितना हो गया? बीस महीना, तो बीस के नीचे में क्या लिख दोगे? बारह, क्यों? क्योंकि एक साल में होता है बारह महीना, तो जब महीना में कैलकुलेट करोगे तो नीचे क्या लिखोगे? बारह, और जब दिन में कैलकुलेट करोगे नीचे क्या लिखोगे? 365। ठीक है, देखो तीन नंबर को गलत पढ़ लो, क्या दिया हुआ है? आठ सहित एक बटन में 3%, है ना, रेट कितना दिया हुआ है? आठ सहित एक बटन में 3%। सरल ब्याज के दर से 960 रुपये का, 960 रुपये का एक वर्ष तीन माह का मिश्रधन कितना हुआ? यानी यहाँ पर साधारण ब्याज नहीं, यहाँ पर क्या पूछा है? मिश्रधन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि जो टर्म दिया हुआ है उस टर्म को लिख लो, यानी कि यहाँ पर प्रिंसिपल, यानी कि यहाँ पर अमाउंट कितना है, सॉरी प्रिंसिपल कितना है? 960, और रेट कितना है? एक वर्ष आठ, आठ सही एक बटा में 3%। ठीक है, और टाइम कितना है? एक वर्ष तीन माह, एक वर्ष तीन माह, तीन माह। यहाँ पर इसको देख लो, अब देखो ये जो रेट जो दिया है ना, इसको पहले तुम क्या करोगे? भिन्न में तोड़ लो, यानी कि फ्रैक्शन में तोड़ लो, आठ तीन 24, 24 और 25, यानी कि 25 बटा कितना हो गया? 3%। और टाइम देखो, यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा बोलो? एक वर्ष में 12 महीना, और 12 और 3 कितना हो गया? 15, और नीचे कितना लिखोगे? 12। ठीक है, तो ऐसे ही किसको करना है, तो चलो ऐसा ही का फॉर्मूला क्या लिखोगे बोलो? पच्चीस बटे में 3, और टाइम कितना है? 15 बटे में 12। और क्या चीज मिसिंग हो रहा है बोलो? यस, नीचे में 100 लिखोगे, तो देखो एक सुनना, एक सुनना कट गया। यहाँ पर देखो 12 कम 12, 12 थे 96, यहाँ पर देखो 3 एकम 3, 3 5 15, 15, 5 एकम 5, 5 2 10, 2 एकम 2, 2 2 4। तो देखो 25 4 कितना हो गया? 100। तो ये मेरा क्या निकल गया? ये मेरा निकल गया ब्याज, बट सर उसमें क्या पूछा है? मिश्रधन, तो लिखोगे यहाँ पर मिश्रधन, यहाँ पर लिखोगे मिश्रधन, मतलब क्या इंग्लिश में? अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकालोगे? कितना रुपया तुम 960, यहाँ पर तो प्रिंसिपल हम लोग का अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल कितना है? 960, और एक्स्ट्रा कितना देना है? सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? 100, कितना हो गया हम लोग का? 1060, 1060 रुपया, उसको कितना लौटाएंगे? 1060। तो नेक्स्ट, अब चार नंबर सम को देखो, पहले इसको निकालो, देखो चार नंबर सम को पढ़ो। उत्पल बाबू अपने जमीन में खेती के लिए एक समवाय बैंक से 6% वार्षिक बोले, कितना मिश्रधन जमा कर बैंक का रुपया चुकाना होगा? हिसाब करके देखो, बोला क्या? उत्पल बाबू अपनी जमीन की खेती के लिए एक समय बैंक से 6% सरल ब्याज के दर से 3200 रुपया उधार लिए हैं। तो समझ में क्या समझ में आ रहा हमको? कि मूलधन दिया हुआ है, और मूलधन कितना दिया हुआ है? 3200 रुपया दिया हुआ है, तो अच्छा बात है। अब देखो, जो तुम पैसा ले लो तो समय बैंक जो है वो कितना परसेंट इंटरेस्ट ले रहा है? 6%। तो रेट कितना दिया यहाँ पर? 6% दिया हुआ है। और जो तुम पैसा लिए हो कितने साल बाद लौटाओगे? 2 साल बाद लौटाओगे, 2 वर्ष बाद लौटाओगे। और समझ में निकालना क्या है? देखो मिश्रधन, तो देखो तुमको भले ही मिश्रधन निकालना है, लेकिन सबसे पहले तुमको निकालना क्या पड़ेगा? ब्याज। तो लिखोगे यहाँ पर, इसलिए SI बराबर, तो SI का फॉर्मूला क्या होगा? सेम वही बात, टी कितना है? 3200। टी कितना है? 2 वर्ष, और आर कितना है? 6% बटे में 100। 2 सुनना 2 सुनना, ठीक है, 32 कितना हो गया? 64,
और 64 से 6 पे इंटू कर लो 24 दो 36 ठीक है 38 यहाँ पर तो कितना हो गया 384 रुपए क्या होगा उन लोग का ब्याज हो गया। बट उनको देना क्या है अमाउंट यानी कि मिश्रधन हमको देना है और मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है पी प्लस आई। तो तुम कितना पैसा लिए हो समिया बैंक से 3200 समिया बैंक से तुम लिए हो 3200 रुपया है ना। और देखो आई मतलब क्या इंटरेस्ट और इंटरेस्ट कितना निकला है 3200 रुपया तो कितना प्लॉट आएंगे हम लोग 3584 रुपया। अच्छा इस बात को ना तो लिख लोगे कि समिया बैंक में हम लोग को समिया बैंक को 2 वर्ष बाद 3584 रुपया लौटाना पड़ेगा है ना। ये सब सारा बात को लिखोगे समिया बैंक से हम लोगों ने 3200 रुपया लिया हमको ये सब बात लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट अब 5 नंबर से उसको देखो शोभा देवी इसी बैंक में 0.25% वार्षिक सरल ब्याज दर से कुछ रुपये रखी 2 वर्ष के बाद उन्हें ब्याज के रूप में 840 रुपया मिला तो वे बैंक में कितना रुपये जमा की थी करके देखो। चलो देखो 5 लोगों ने क्या बोला शोभा देवी ने किसी बैंक में 5.25% के दर से कुछ रुपया रखी थी यानी कुछ रुपया रखी थी इसका मतलब क्या समझ पा रहे हैं हम लोग जो कुछ रुपया जो है यानी प्रिंसिपल जो है मूलधन जो है वो नहीं दिया हुआ है कुछ रुपया जब जमा रखे हैं इतना मालूम चलेगा कुछ रुपया जो है यानी प्रिंसिपल जो है वो दिया नहीं है सम्स में है ना। 2 वर्ष के बाद में 840 रुपया हमको ब्याज मिला यानी अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे ब्याज निकाल रहे थे और इस सम्स में क्या दिया हुआ है ब्याज पहले से ही दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिख लो लिखेंगे हम लोग माना शोभा दीदी ने माना शोभा दीदी ने बैंक में कितना जमा किया है दो बैंक में एक्स रुपया जमा की एक्स रुपया जमा की तो प्रिंसिपल हम लोग निकालेंगे है ना। बट सम्स में और क्या दिया हम लोग रेट दिया होगा कितना 5.25% टाइम कितना है दो वर्ष यानी कि आई कितना दिया हुआ है 840 रुपया। एक बात हमेशा याद रख लो यहाँ पर इसलिए हम लोग फॉर्मूला निकालना सिखा रहे यहाँ पर एस आई का फॉर्मूला क्या था बोलो पी गुने आर बटे में 100 यही तो बट हमको सम्स में क्या निकालना है पी निकालना है हमको तो एस आई तो निकालना नहीं है। तो हर बार याद रख लोगे कभी भी तुमको सम्स में आपसे पी निकालना हो टी निकालना हो या आर निकालना हो इससे इसको तिरछा गुना करोगे और निकालना क्या तुमको पी तो यहाँ पर लिखो पी और तिरछा गुना किए तो क्या हो गया एस आई गुने 100 और ऊपर में और क्या बचा टी गुने आर तो टी और नीचे आर गुना हो गया क्लियर पी हो गया फॉर्मूला डायरेक्ट और ये फॉर्मूला लिखोगे डायरेक्ट। तो देखो एस आई कितना है बोलो 840 100 टी कितना है दो वर्ष और आर कितना है 5.25 अब देखो ये पॉइंट उठाओ तो तुम कितना जाएगा बोलो 100 ठीक है 25 के बारे में कर दो 25 चौके यहाँ पे कितना जाओ 25 दूरी 50 दो निकला 25 से कम 25 है ना। फिर दो के पार में काट दो 2 दूनी 4 21 से कम 21 चौके 84 यानी कि यहाँ पर हो गया 40। अब गुना कर लो तो देखो 40 से 100 को गुना करो कितना हो जाएगा 4000 और 4000 से 2 को गुना करो कितना हो जाएगा 8000 तो आंसर कितना हो गया 8000 रुपया। तो शोभा दीदी ने कितने पे जमा किया था 8000 रुपया जमा किया था तब उसको इंटरेस्ट कितना मिला था 840 रुपया। ये 5 नंबर खत्म हो गया टॉपिक। नंबर 6 का क्या बोला है गौतम एक मुर्गी फार्म को खोलने के लिए एक समिया बैंक से 12 वार्षिक ब्याज के दर से कुछ रुपया उधार लिया यानी उधार कौन ले रहा है गौतम ठीक है। प्रत्येक माह उन्हें देखो यहाँ पर प्रत्येक माह का उच्चारण हुआ है ना इसको अंडरलाइन कर सकते हो तुम लोग प्रत्येक माह मतलब याद है ना बोले थे जब कि जब महीना में हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट को तो महीना लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे 12 दिन में बोले 365 उन्हें ब्याज के रूप में 378 रुपए देना पड़ता है यानी पहला टर्म क्या दिया हुआ है यहाँ पर ब्याज यानी ब्याज कितना है 378 रुपया। अच्छा इसको प्रॉपर मतलब स्टेटमेंट के रूप में लिखोगे तुम लोग है ना
तो देखो कितना का ब्याज मिल रहा है उसको, तो देखो गौतम बाबू को कितना ब्याज देना पड़ रहा है, 378 रुपया देना पड़ रहा है। और कब देना पड़ रहा है, टाइम कितना है, प्रति महीना। यानी देखो एक महीना नीचे ऊपर लिखे तो नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, 12 है ना, यानी कि टाइम भी दिया हुआ है सर उसमें। और वो क्या दिया हुआ है, रेट, यानी रेट कितना है हम लोग यहाँ पर 12%। और निकालने क्या बोला देखो यहाँ पर, कितने रुपए उधार दिए थे, तो तुमने यहाँ पर लिखो गौतम बाबू ने मुर्गी फार्म खोलने के लिए 100 रुपए उधार दिया था, है ना। तो यहाँ पर लिखोगे इसलिए प्रिंसिपल बराबर, इसलिए मूलधन बराबर। तो फॉर्मूला अभी देखे तुम लोग क्या लिखोगे, एसआई उन्हें 100 बटे में टी उन्हें आर। तो एसआई कितना है, 378 100, ठीक है। टाइम कितना है, 12 एक बटन में 12। और रेट कितना है, 12। तो 12 यही कर दिया। तो ऊपर में कितना क्या बोलो, 37,800 रुपया। तो लिखेंगे हम लोग इसलिए मुर्गी फार्म खोलने के लिए गौतम बाबू ने 37,800 रुपया उधार लिया था। इस बात को तुम लोग नीचे में लिख दोगे, है ना। इसी तरह से देखो 7 नंबर, इसको स्टार मार्क्स कर लो, ये सम्स एग्जाम में आ सकता है। 7 नंबर सम्स को स्टार मार्क्स कर लो, ये सम्स एग्जाम में आ सकता है। चलो कॉन्सेप्ट को समझो, क्या बोल रहा है, 6% व्याज दर से कोई रुपया, यानी कोई रुपया मतलब क्या, यहाँ पर रुपया नहीं दिया हुआ, यानी कि सारा करंट टर्म को लिख लो, है ना, यानी कि यहाँ पर मूलधन जो है नहीं दिया हुआ है, है ना। तो लिख लो कि माना मूलधन बराबर, माना मूलधन बराबर एक्स रुपया, यानी कि इस एक्स रुपया को जमा किया। मान लो तुम यहाँ पर 1 रुपया भी मानते हो, तो तुम 1 रुपया जमा किए हो, है ना। तो 6% की ब्याज के दर से, दर कितना दिया हुआ है, 6% ब्याज के दर से, वो पैसा क्या हो जाता है, 2 गुना। यदि तुम 1 रुपये जमा करो तो कितना बन जाएगा वो पैसा, 2 रुपया बन जाएगा। और एक्स रुपये जमा करो तो कितना बन जाएगा, 2x। बट ये पैसा कब बनेगा, फ्यूचर में बनेगा, आज को नहीं बन रहा है। तो देखो ये पैसा को हम लोग बोलते हैं अमाउंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट। तो एक्स रुपये जमा किया बैंक में, कितना बन गया पैसा, 2x। और इस 2x में हम तो एक्स रुपया जमा किए थे ना, अब वो क्या बन गया है, 2x। तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी जुड़ा हुआ है, उस एक्स्ट्रा पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं, आई। और आई निकालने कैसे, हम लोग इस 2x से मूलधन को लेस कर दो तो क्या हो गया, एक्स रुपया। तो देखो आई भी मालूम चल गया, प्रिंसिपल भी मालूम चल गया, रेट भी मालूम चल गया, क्या अब हम टाइम भी निकाल सकते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, 100 गुने आई, यानी कैसा ही, और पी गुने आर। तो 100 गुना यहाँ पर आई कितना है बोलो, एक्स, पी कितना है, एक्स, आर कितना है, सिक्स। काटो एक्स एक्स कर दिए, इससे काटो कितना हो गया, 2 के पारा में 50/3। अब इसको भाग करो कितना होगा, 16/2/3%, है ना। तो ये हम लोग का 7 नंबर सम। देखो 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है, बोला माना मित्रा कुछ रुपया उधार लेने के बाद देखे कि उस रुपये का ब्याज 6 वर्ष के बाद मूलधन का 3/8 हो गया है, कितना हो गया है, मूलधन का 3/8 हो गया है। तो मूलधन तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो ब्याज क्या हो गया है, ब्याज मूलधन का 3/8 हो गया है। प्रतिशत सरल ब्याज दर फाइंड आउट कीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखो टाइम कितना दिया हुआ है, अच्छा जो सबसे पहले यहाँ पे ये लिख लो कि मूलधन क्या है, तो लिखोगे यहाँ पर माना मूलधन बराबर, माना मूलधन बराबर, माना मित्र ने कितना, माना मित्र ने उधार कितना लिया था, एक्स रुपया। तो लिखेंगे माना मित्र ने, कौन यहाँ पर, मन्ना मित्र, एक्स रुपया उधार लिया था, एक्स रुपया उधार लिया था। समझ क्या, देखो मूलधन का ब्याज जो है, मूलधन का जो ब्याज जो दिया हुआ है, इसलिए ब्याज यहां पे लिख लो, ब्याज बराबर क्या है, ऐसा ही तो सर है। तो ब्याज जो है वो मूलधन का कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। तो ब्याज कितना, बोलो 3x/8
हो गया, तो मूलधन यदि एक्स है तो ब्याज कितना हो गया 3x/8 हो गया है ना। और देखो सम्स में क्या दिया हुआ है, रेट, तो रेट कितना है बोलो, सॉरी टाइम दिया ना, टाइम दिया हुआ है 6 वर्ष, तो सम्स में निकालने क्या बोला है रेट, तो लिखोगे रेट का फॉर्मूला, इसलिए रेट बराबर 100 × I P गुने टी, ठीक है, तो 100 और ऐसा ही कितना निकला होगा 3x/8, P कितना है x और T कितना है 6 वर्ष। अच्छा एक बात तुम हमेशा ध्यान थोड़ा रखोगे कि तुम मूलधन हम यहाँ मान रहे हैं बट कहीं कहीं मूलधन भी मान सकते हैं, सम्स में तुम लोग पढ़ के समझोगे कि निकालने क्या बोला है, तो निकालने इसलिए क्या बोला है टाइम, तो तुम टाइम को नहीं मान सकते हो, बाकी सबको मान सकते हो लेकिन टाइम को नहीं मान सकते हो, है ना, तो जो निकालने के लिए बोलेगा तुम उसको नहीं मान सकते हो, है ना। अब कट कर दो तो एक्स और एक्स कैंसिल हो गया सर, है ना, देखो 3 × 3 3 × 2 6 इसको काट दो, 2 × 1 = 2 यहाँ पर 2 × 5 = 50, ठीक है। अब 8 से 50 में काटो तो देखो 2 × 4 यहाँ कितना हो गया 25, यानी 25/4, तो 25/4 को जब तुम काटोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर रूप में नहीं कटेगा, तो ये मिक्स फ्रैक्शन आया आंसर, तो 6 × 1/4% इसका आंसर आएगा, तो ये दोनों का 8 नंबर का आंसर, क्लियर। तो 9 वर्ष में क्या बोलता है, बोल रहा है क्या, कोई कृषि समय समिति अपने सदस्य को 4% वार्षिक सरल ब्याज के दर से ऋण देती है, यानी देखो समय समिति कितना दे रहा है 4% की दर से किसी को ऋण दे रहा है, किंतु बैंक कितना दे रहा है 7.4 की दर से लोन दे रहा है। एक व्यक्ति बैंक से रुपया उधार लिया एंड समय बैंक से भी उधार लिया 5000 रुपया लिया, है ना, ऋण लिए तो प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में उनका कितना रुपया बचा, है ना। बोला देखो वो पैसा मतलब कि समय बैंक से लोन ले रहा है तो रेट लग रहा है 4% और बैंक से ले रहा है कितना लग रहा है 7.5%, तो वही बोल रहा है कि जो व्यक्ति जो है वो समय समिति से सदस्य बनकर समिति से 5000 रुपया लोन ले रहा तो कितने रुपये बचेगा, यानी बैंक से लोन लेकर समिति से भी पैसा लेगा तो कितना रुपया बचेगा, है ना। तो पहले इस बात को अच्छा से तुम लिख लोगे, यदि वह व्यक्ति बैंक से उधार लेता तो देखो प्रिंसिपल उसके लिए कितना है 5000 ही होता और रेट कितना होता, बैंक का रेट कितना है 7.4 बैंक के लिए, और टाइम कितना है दोनों के लिए 1 वर्ष दोनों के लिए सेम ही है। तो देखो इसीलिए बैंक का एसआई कितना होता है, बैंक ने हमको कितना रुपया इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो कैलकुलेट कर लो P × T वही फॉर्मूला है, तो 5000 × 7.4 × 1 वर्ष बटे में 100 पॉइंट था, कितना आ जाए नीचे में 100 1 × 0 = 2 × 0 = 3 × 0 गुना कर लो कितना हो गया 370 रुपया, यानी बैंक से यदि पैसा लेंगे तो कितना देना पड़ेगा 370 देना पड़ेगा, और साथ वहीं पर है ना, यदि हम वही पैसा कहां से लेंगे तो समवाय समिति से लेंगे तो समवाय समिति पर को देना पड़ेगा, को ब्याज देना पड़ेगा, है ना। तो देखो इसका ही ब्याज निकाल लो, तो 5000 रुपये लिए थे और समय समिति का इंटरेस्ट कितना है 4%, 100 200 कट गया कितना हो गया 200 रुपया। तो अब हमको क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा है, बैंक से लेंगे ठीक है तो इतना रुपया लग रहा है और यहां से भी इतना रुपया लग रहा है, तो वही बोल रहा है कि बैंक से न लेकर यदि समय समिति से हम लोग लेंगे तो कितना पैसा का बचत होगा, तो लिखेंगे इसलिए बचत बराबर, है ना, लिखोगे यहां पर बैंक से पैसा न लेकर समय समिति से पैसा लेंगे तो बचत होगी, हम बस यहां पर बचत बोल के लिख रहा हूं 370 - 200
तो कितना का बचत हो गया, 170 रुपए का बचत हो गया। यदि हम बैंक से पैसा ना लेकर समन्वय समिति से पैसा लेंगे तो 170 रुपीज का बचत होगा, है ना। इसके बाद देखो 10 नंबर सम्स को देख लो। चलो 10 नंबर देखो क्या बोल रहा है, बोल रहे कि यदि 292 रुपए का एक दिन का ब्याज 5 पैसा हो तो प्रतिशत सरल ब्याज दर ज्ञात करिए। तो सबसे पहले इसका जितना भी टर्म दिया हुआ है उस टर्म को सारा पहले लिख लो। तो पी कितना दिया हुआ है, 292, है ना। टाइम कितना है, एक दिन। तो क्या बोले थे कि जब दिन में कैलकुलेट होगा तो रिजल्ट कितना लिखेंगे, 365, है ना। और रेट कितना है बोलो, 5 पैसा, यानी कि है ना। सॉरी, यहाँ पर रेट नहीं दिया, यहाँ पर ब्याज दिया हुआ है। तो ऐसा ही कितना है, 5 पैसा। और पैसा को यदि तुम रुपया में कन्वर्ट करोगे, क्या करेंगे हम लोग, पैसा से रुपया में आने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से भाग करना पड़ेगा। यही तो, यदि हम पैसा से रुपया में आएंगे क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। तो अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर बोलो रेट निकालना है। तो लिखो यहाँ पर रेट का फॉर्मूला, तो 100 गुने आई, पी गुने टी। तो 100 आई कितना है बोलो, 5/100। टी कितना है, 292। और टी कितना है, 1/365। 100 कट गया, ठीक है। 73/365 पांच बार में कटता है, 73 के पारण 292 चार बार में कटता है। अब देखो ये 5 जो है इसके सब में भाग का रिलेशन में है, भाग यदि किस में बदलेगा, गुना में बदलेगा। तो 5 ऊपर जाए क्या हो जाएगा, गुना 25 हो गया। और नीचे में कितना है बोलो, 4। तो भाग का रूप कितना हो जाएगा, 6 से 1/4 में 4%। ये इसका